प्यारे बच्चों, हमारे हिंदुस्तान में कई मजहब के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मजहब के लोग रहते हैं। जैसे हिंदू मजहब को फैलाने के लिए साधु संत होते हैं, सिख मजहब को फैलाने के लिए गुरु होते हैं, ठीक इसी तरह मुस्लिम मजहब को फैलाने के लिए कहीं अल्लाह के नबी आए। प्यारे बच्चों, आपको मालूम है हमारे आखिर नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी जिंदगी सादा थी। आप मक्का में पैदा हुए, आपकी 11 बीवें थी। उनके नाम इस तरह से हैं, जैसे हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत आयशा सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत जवेरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम हमारी जमात चहरुम से सबक नंबर 2 हजरत सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिसको लिखा है डॉक्टर याहिया नशीद ने, इस सबक की बुलंदखानी करूंगा। आप इसको बगौर समाज फरमाइए।